मार काट के दिए आदमी अपने गर्दन को कटवा कर। रुकिए रुकिए, एक मिनट, कैमरे की तरफ ध्यान दीजिए, इधर नहीं। अब फिर से शुरू कीजिए अपनी बात। ये मामला है कि ये मामला यहाँ पे कि यहाँ के लोग अपने तौर पे मदरसा दीन की तालीम के लिए इकट्ठा करके पैसा बनाया और गांव समाज बहुत दिनों से बरसों से इसको चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से अराजक तत्व ने कुछ लोग इसको अपनी प्रॉपर्टी जान करके फर्जी तौर पे घुस दे करके या जैसे भी इसे अपने कब्जे में कर लिया है और अपने तौर पे चला रहे हैं। गाँव वालों से कोई टर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो गाँव वाले इस पर कार्रवाई करने के लिए कोशिश की है, बार बार धरना प्रदर्शन या उनसे राय बात की, लेकिन उन्होंने मानने को राज़ी नहीं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग आपके सामने धरना पे बैठे हैं, सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, हर तरह से लोग आज ही जा चुके हैं। तो आप लोगों का सहारा, मीडिया का सहारा ले करके हम अपनी बात शासन और प्रशासन को देना चाहते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन? जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक हमारी माँ और बहने, हमारे सारे नौजवान साथी बूढ़े यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक शासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम लोग बिल्कुल बैठे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम लोग रात दिन तक एक ही कर रहे हैं, दो चार दिन, दस दिन, जब तक न हो तब तक हम लोग यही कार्य करते रहेंगे और अपनी हक की मांग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। चलो चलो बोलो।